डब्बे सस्ते दामों में दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए दो युवकों से पूछताछ में पता चला है कि वो किराने की व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उसी आधार पर वो विभिन्न क्षेत्रों में धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच को पिछले दिनों लगभग 3 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि दोनों ही युवक सस्ते दामों में तेल के डिब्बे दिलाने का बोलकर पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाया करते थे और मोबाइल नंबर किसी अन्य अनजान व्यक्ति को दे दिया करते थे। लेकिन जब उन अनजान नंबरों पर फोन आने लगे तो फिर फरियादियों ने तत्काल क्राइम ब्रांच को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई, जिसके आधार पर राजेश जायसवाल व दीपक भारती नामक दो युवकों को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि राजेश पूर्व में दाल चावल बेचने का काम करता था तथा उसी दौरान दीपक नामक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। उक्त दोनों युवक शहर के विभिन्न स्थानों पर सस्ते दामों में खाने व तेल के डिब्बे का लालच देकर पैसे ऐंठ लिया करते थे। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस लगातार जांच में जुट गई है ताकि अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके और इस गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। इसमें एक राजेश जायसवाल और दीपक नाम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें राजेश जायसवाल जो है वो व्यापारी लोगों को तेल बेचने के नाम पे पहले उनसे संपर्क करता था और फिर उनको सस्ते में तेल बेचने के नाम पे उनसे टोकन अमाउंट लेता था और फिर किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अन्य व्यक्ति का नंबर उनको देके गायब हो जाता था। इसके पश्चात व्यापारी जो है वो उस व्यक्ति को कॉल करता था और तब पता चलता था कि ये जो है ये फ्रॉड नंबर देके चला गया है और उसके पैसे इस तरह से ठग लिए जाते थे। इसमें हमें अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 3 लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई और इसमें कार्रवाई करी गई है। इनको आइडेंटिफाई किया गया, चिन्हित किया गया और इन दोनों को पकड़ के बाणगंगा पुलिस के सुपुर्द किया गया है। दोनों इंदौर के रहने वाले हैं। ये इंदौर से ही इनको पकड़ा गया है और ये इंदौर क्षेत्र में ही ऑपरेट कर रहे थे। कुछ नहीं, इस संबंध में जो है अभी विवेचना जारी है और जानकारी पता की जा रही है।